गजराज का गुस्सा कई बार देखा होगा। आपने मौत बांटते हाथी की तस्वीरें भी कई बार देखी होंगी, लेकिन क्या आपने देखा है कि कैसे शांत किया जाता है गजराज का गुस्सा? क्या आपको पता है कि जंगली हाथी को कैसे बना दिया जाता है इंसान का साथी? आज हम आपको हाथी की जिंदगी का वो पहलू दिखाएंगे जो अब से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये पहली बार कैमरे में कैद हुआ है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे दी जाती है एक हाथी को ट्रेनिंग और कैसे मौत बांटने वाला हाथी बन जाता है एक छोटा बच्चा। टाइगर, वो जानवर जिसे हर कोई देखना चाहता है, जो किसी के भी दिल में सिहरन पैदा कर सकता है। लेकिन एक और जानवर ऐसा है जिसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। और ये जानवर है हाथी। टाइगर की तरह ये भी एक विशालकाय और शानदार जानवर है। माना जाता है कि हाथी कभी भी एक जगह पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते। पानी और हरियाली की तलाश में ये सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। आज हम उन हाथियों की बात करेंगे जिन पर आपने बचपन में किसी मेले में या फिर किसी नेशनल पार्क में सवारी की होगी, और साथ ही हम बात करेंगे जंगली हाथियों की भी। भारत में नेशनल पार्क के सफर के दौरान हाथी की सवारी एक बड़ी आम सी बात है, इतनी आम कि शायद हम इस पर कभी ध्यान भी नहीं देते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हाथी जैसे विशालकाय जानवर को कैसे इंसान अपने वश में लाता होगा? कैसे वो हाथी को अपने इशारों पर नचाता होगा? वो इंसान जो दिखने में हाथी से कितना छोटा है ना, ये हैरान कर देने वाली बात। आज आप टेलीविजन पर पहली बार देखेंगे कि एक जंगली हाथी को कैसे वश में किया जाता है। बांधवगढ़ में हुई ऐसे ही एक हाथी की ट्रेनिंग को हमारी टीम ने कैमरे में कैद किया। ये ट्रेनिंग काफी लंबी है और बेहद खतरनाक भी। तो आइए अब आपको दिखाते हैं हाथी की पूरी ट्रेनिंग। असल में ये दिमाग का खेल है। सबसे पहले इसमें हाथी को एक नाम दिया जाता है। इस हाथी को नाम दिया गया है रामा। ये बाड़ा खास तौर पर रामा के लिए बनाया गया है। साल 2011 में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में रामा को ट्रेन किया गया।
शांत दिखने वाले इस हाथी को वन विभाग ने पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से पकड़ा था। दरअसल इस हाथी ने आसपास के गांवों में तबाही मचा रखी थी। चार लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद आखिरकार ये वन विभाग की पकड़ में आ गया और फिर इसे बांधवगढ़ लाया गया। रामा को ट्रेन करने के लिए कर्नाटक से खास तौर पर ट्रेनर्स को बुलाया गया था। तेज है, अच्छा धीरे धीरे सीखेगा, सिखाना चाहिए। पैर उठाने के लिए अलग बोलते हैं, पैर उठाने के लिए अलग बोलते हैं, सूंड उठाने के लिए अलग बोलते हैं, बैठने के लिए बोलते हैं, उठने के लिए बोलते हैं, ऊपर सूंड उठाने के लिए दले बोलते हैं, ऐसा अलग तरह का। शुरू के कुछ दिन तक रामा की ट्रेनिंग में काफी दिक्कतें आई क्योंकि रामा का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और रामा का गुस्सा जायज भी था। कहां वो शान से बेफिक्री से जंगल में घूमा करता था, कहां ये छोटे से बाड़े में कैद कर दिया गया। ट्रेनर दिन के लगभग 15 घंटे रामा के साथ बिताते थे। कभी प्यार से तो कभी मार से, पर आखिर कुछ दिन बाद इसने मान ही लिया कि इसका नाम रामा है। लेकिन ये अभी भी किसी का हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं था। लगभग 2 महीने की लगातार ट्रेनिंग के बाद रामा ने शायद ये मान ही लिया कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा और फिर उसने कुछ बुनियादी बातों को मानना शुरू कर दिया। एक हाथी की ट्रेनिंग का सबसे अहम पड़ाव तब आता है जब वो अपने महावत को अपने पास आने देता है, उसे अपने ऊपर बैठने देता है। धीरे धीरे रामा इस बात के लिए भी राजी हो गया। हमसे मदद मांगी गई और फिर हमने इस हाथी को पकड़ा और उसे बांधवगढ़ ले आए। फिर हमने कर्नाटक के कुछ एक्सपर्ट्स की मदद ली जो कि जंगली हाथियों को ट्रेनिंग देकर पालतू बना देते थे। तो हमने इस हाथी को रखने के लिए बाड़ा बनाया और फिर हमारे महावतों ने उसे ट्रेनिंग देना शुरू किया और ये हाथी सीखने भी लगा। वो महावत की बातों को समझने लगा और उन्हें मानने लगा।
मुझे लगता है अगले कुछ महीने में हम उसे बाड़े से बाहर निकाल देंगे और फिर हम देखेंगे कि वो कैसे बर्ताव करता है। जब वो पूरी तरह ट्रेन हो जाएगा तो इस हाथी का अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जाएगा। लगभग 6-7 महीने बाद रामा को आखिरकार उसके बाड़े से बाहर लाया गया। जो महावत उसे ट्रेनिंग दे रहे थे उन्होंने प्यार से उसे अपने हाथ से खाना खिलाया। कई महीने बाद बाहर निकले रामा के लिए अब ये दुनिया एक अनजान जगह थी। रामा के पास एक और हाथी खड़ा किया गया ताकि रामा को लगे कि वो दुश्मनों के बीच नहीं है। रामा थोड़ा घबराया हुआ था। लेकिन अब ये पहले जैसा नहीं रहा था, ये एकदम शांत हो चुका था। मानो उसे पता ही नहीं था कि गुस्सा होता क्या है। आखिरकार रामा वैसा ही बन गया जैसा उसके ट्रेनर उसे बनाना चाहते थे। बाहर आने के बाद रामा को अपने आसपास के माहौल को समझने में काफी दिन लगे। अब रामा वन विभाग की पेट्रोलिंग में मदद करता है। ये विशालकाय हाथी अब आजाद नहीं रहा। ये इंसानों की बस्ती में सुरक्षित जरूर है, लेकिन ये सुरक्षा उसके लिए इनाम है या इंसानों पर हमला करने की सजा, ये बड़ा सवाल है। अब सोचिए उस महावत के बारे में जो हाथी को अपने वश में रखता है। क्या कभी आपने सोचा है कि एक महावत और उसके हाथी का रिश्ता कैसा होता है? यकीन मानिए ये रिश्ता बड़ा प्यारा होता है। ये है कुटप्पन, बांधवगढ़ के मशहूर महावत। बांधवगढ़ की तरह ही कुटप्पन की भी अपनी एक अलग पहचान है। कुटप्पन की नजर से कोई भी चीज छिप नहीं सकती, न जंगल के रास्ते और न वहां के जानवर। वे पिछले 30 साल से जंगल और वहां के जानवरों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। बांधवगढ़ में पिछले 25 साल में जितने भी बाघ रहे हैं उन सब की जिंदगी को इन्होंने अपने कैमरे में कैद किया है। कुटप्पन की ये तस्वीरें कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अखबारों और पत्रिकाओं में छप चुकी हैं। कुटप्पन के पास वन्य जीवन से संबंधित तस्वीरों की एक बहुत बड़ी कलेक्शन है। आप हैरान हो जाएंगे लेकिन इनके पास करीब 50,000 से ज्यादा तस्वीरें हैं। एक ट्रेंड हाथी एक बच्चे जैसा होता है। वो अपने आप कुछ नहीं करता, यहां तक कि नहाने के लिए उसे महावत की मदद चाहिए होती है। और जब वो अपने कैंप में होता है तब उसे हाथ से खाना खिलाया जाता है।
हाथी को खाना खिलाने में काफी वक्त जरूर लगता है, लेकिन इससे हाथी और महावत का रिश्ता मजबूत हो जाता है और धीरे धीरे महावत पर हाथी का भरोसा बढ़ने लगता है। हाथी के रिलेशन जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, इस तरह से उसका पालन पोषण होता है। जैसे उनको बचपन से उसको लेके, अगर बचपन में अगर नहीं है, बड़े हाथी मिल गए, उसको सिखाना है, उसको नहलाना है, दुलाना है, चारा पत्ती रोटी और उसे काम लेना है, तो मतलब उनको एक बच्चे को जैसे माँ बाप सिखाते हैं, पैदा करते बड़ा होते हैं, उसके बाद में वो अपने से काम करने लगते हैं। इनको इनसे करवाने पड़ते हैं, इनको बताने पड़ते हैं काम करने के, तो वो करते हैं। कुटप्पन के लिए बांधवगढ़ का जंगल किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है, और जंगल की हर रोज की यात्रा में हाथी ही उनका सबसे बड़ा साथी है। लोगों के लिए एक हाथी और उसके महावत के रिश्ते को समझना इतना आसान नहीं होता। कुटप्पन की माने तो वे बांधवगढ़ में काफी खुश हैं। ये जंगल उनकी दुनिया है। हालांकि उन्हें इस बात का दुख भी है कि आने वाली पीढ़ी अब ये काम नहीं करना चाहती। हम रिटायर हो गया, हमारा दुकानदार कोई नहीं है, अब दूसरा माँ उतरे शहर होगा, उसके भी कोई नहीं है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनके बाद में जो सीखते हैं उनको एक्सपीरियंस कम होता है, उनकी चीज की जानकारी नहीं रहते हैं। तो ऐसे लोकल आदमी को पकड़ कर हम रखा है, वो हाथी के साथ काम कर रहा, कुछ दिन काम किया, अच्छा काम कर रहा, हाथी सीखा है, वो सीखे हाथी में तो काम कर लेंगे, नया काम सीखने में उनको टाइम लगेगा। जंगल में हर दिन हाथी ने कुटप्पन का साथ दिया है। कहना गलत नहीं होगा कि अगर हाथी ना होता तो कुटप्पन शायद इस जंगल में इतने साल तक रह ही नहीं पाते और इतनी सारी तस्वीरें भी इकट्ठी नहीं कर पाते जिनकी बदौलत वे मशहूर हुए। कुटप्पन अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जंगल का उनका सफर आज भी उन्हें हर रोज याद आता है। साथ ही अपने साथी और दोस्त हाथी की याद भी उन्हें बहुत सताती है। जंगल, जंगल में आगे आपको दिखाएंगे कि क्या हुआ जब एक जंगली हाथी आ गया एक शख्स की जीप के बेहद करीब और गायब हो गया उस शख्स की गाड़ी का ड्राइवर। जंगल, जंगल। जंगल में अब तक आपने देखा कि कैसे एक जंगली हाथी को ट्रेनिंग देकर उसे एक पालतू हाथी बनाया जाता है, वो हाथी जिस पर आप अक्सर सवारी करते हैं। जंगल में आगे आपको दिखाएंगे कि क्या हुआ जब एक जंगली हाथी आ गया एक शख्स की जीप के बेहद करीब और गायब हो गया उस शख्स की गाड़ी का ड्राइवर। जंगल, ये तो बात हुई एक ट्रेन्ड हाथी की। अब ये भी देख लीजिए कि एक जंगली हाथी कैसा होता है। जवानी के खुमार में एक जंगली मतवाले हाथी को अगर देखना हो तो उसे दूर से देखिए, क्योंकि इस गजराज को कभी भी गुस्सा आ सकता है। लेकिन अगर पर्यटकों की गाड़ी पत्थरों में अटक जाए और हाथी पास हो तो जाहिर है हाथी आप पर हमला जरूर करेगा। कुछ ऐसा ही हादसा हुआ इज़राइल के डैन कॉफरमैन के साथ जब ये उत्तराखंड के मशहूर नेशनल पार्क में गए थे।
इस हादसे के कुछ ही घंटे बाद हमने कॉफर मैन से बात की। पहले तो मैं डर गया, मैं हैरान रह गया, मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कोई पहली बार नहीं है कि हाथी ने मुझ पर हमला किया हो। पिछली बार अफ्रीका के एक नेशनल पार्क में भी रात को मुझ पर हमला हुआ था। उस टाइम जब हाथी ने मुझ पर हमला किया था तो मैं बेड के नीचे छिप गया था। इस बार तो मैं हिल भी नहीं पाया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। गाड़ी में वे अकेले थे, उनकी जिप्सी पत्थरों में अटक गई थी। तभी सामने से गुस्से में एक हाथी आया और जिप्सी का ड्राइवर अपनी सीट से गायब हो गया। उस दिन वही हाथी कॉबेट जंगल की खिन्नौली और धिक्काला को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर कई बार दिखा। इसने सबको अपने गुस्से से डराया और वहां से भगा दिया, जैसे वो नहीं चाहता था कि कोई भी यहां से गुजरे। कॉर्बेट के घास के मैदान। गर्मियों में हाथियों को देखने और उनकी फोटो खींचने की सबसे अच्छी जगह माने जाते हैं। इन्हें इन मैदानों के किसी भी कोने में देखा जा सकता है। इसकी वजह भी है, गर्मियों में जब कॉबेट के ज्यादातर तालाब सूख जाते हैं तब भी राम गंगा नदी में पानी पहले की तरह बहता रहता है। और अगर आप जंगली मतवाले हाथियों को उनके अलग अलग मूड में देखना चाहते हैं तो इस समय आ जाइए यहां। Jungle.